2024 का T20 वर्ल्ड कप हो चुका है खत्म, लेकिन सवाल अब यही उठता है कि आखिर अब अगला वर्ल्ड कप कब होगा? क्या 2025 में भी वर्ल्ड कप होने वाला है? तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों कि साल 2025 से साल 2031 तक अब कब कब वर्ल्ड कप्स, कब कब आईसीसी ट्रॉफीज होने वाली है। इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, आपको 2031 तक कब पूरा शेड्यूल पता लग जाएगा। एंड तक देखना, लाइक और शेयर अभी कर दो, क्योंकि भैया वर्ल्ड कप्स और आईसीसी इवेंट्स के हम सभी फैन है। लाइक और शेयर तो बनता है, कर दो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबा दो। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले 2025 के साथ। अब 2024 का बड़ा इवेंट T20 वर्ल्ड कप तो खत्म हो चुका है, लेकिन 2025 में वर्ल्ड कप नहीं लेकिन वर्ल्ड कप जैसा ही चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है। अब आप लोग बोलोगे कि भैया मैंने वर्ल्ड कप जैसा ही क्यों कहा चैंपियंस ट्रॉफी को? देखो यार, वर्ल्ड कप में 12 बड़ी टीमें खेलती है, चैंपियंस ट्रॉफी में 8 बड़ी टीमें खेलती है, और ले देकर मुकाबला वही होता है जो हम वर्ल्ड कप में देखते हैं, सिर्फ नाम डिफरेंट है। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में मैचेस जल्दी होते हैं और थोड़ी सी कॉम्पिटेटिव होती है चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि अगर आप एक भी मैच चैंपियंस ट्रॉफी में हारते हो तो खेल खत्म हो सकता है। लेकिन ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये पाकिस्तान में होने वाली है, फरवरी 2025 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी को रखा गया है। सवाल ये उठता है कि क्या ये चैंपियंस ट्रॉफी हो पाएगी, क्योंकि दो तीन चीजें, दो तीन खबरें ऑलरेडी 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से निकल कर आ गई है। पहली बड़ी रिपोर्ट ये है कि पाकिस्तान ने साफ साफ कह दिया कि भैया हम हमारे देश में ही खेलेंगे, अगर आप हमारे देश में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं रखवाओगे, हमसे बोलोगे कि हमें दुबई में करवाओ, तो ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान बायकॉट करेगा, पाकिस्तान खुद इस चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं बनेगा। साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह भी कह दिया है कि वो हाइब्रिड मॉडल के तहत भी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं कराना चाहते। तो कुल अगर अभी से ही काले बादल और अड़ंगे सामने आने लगे, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बीसीसीआई और टीम इंडिया कभी मानेगी नहीं कि वो पाकिस्तान जाकर खेले। और ऐसी परिस्थिति में मेरी राय भी यही है कि अभी पाकिस्तान मुझे नहीं लगता तैयार है इतने बड़े इवेंट के लिए। तो मेरी राय तो यही है कि भैया पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। बाकी आप बताओ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखो, क्योंकि भैया बड़ा इवेंट होगा, एक दफा फिर हमें इंडिया पाकिस्तान मैच, एक दफा फिर हमें वो ट्रॉफी, वो आईसीसी इवेंट देखने को मिलेगा। इस इवेंट के लिए लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साल 2026 की। तो साल 2026 में एक दफा फिर T20 वर्ल्ड कप हम देखेंगे। फरवरी 2026 में भारत और श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, तो भारत एक दफा फिर वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। आपको बता दूं दोस्तों कि इससे पहले साल 2016 में T20 फॉर्मेट का वर्ल्ड कप भारत में हुआ था, और साल 2023 में ऑलरेडी हमें पता है ODI फॉर्मेट का वर्ल्ड कप भी भारत में हो चुका है। भारत को लगातार आईसीसी इवेंट्स मिल रहा है, और मिले भी क्यों ना, क्योंकि भारत ही वो देश है जहां पर इस समय दुनिया की क्रिकेट चल रही है, और अगर भारत ना हो तो दुनिया की क्रिकेट अपाहिज हो जाएगी, ये हम सभी को पता है। देखो फरवरी में होगा और ये जो वर्ल्ड कप होगा इसके तुरंत बाद फिर IPL का सीजन आ जाएगा। तो 2026 का माफ कीजिए, ये T20 वर्ल्ड कप है, ये भारत के लिए मोस्ट अवेटेड वर्ल्ड कप रहने वाला है, और भारत को एक दफा फिर मौका मिल सकता है कप उठाने का। श्रीलंका में भी मैचेस होंगे, और श्रीलंका के 3 वेन्यूज को तैयार किया जा रहा है, कोलंबो, गाले और कैंडी को। 2026 के बाद आगे बढ़ते हैं, अब 2027 की बात आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 2027 की। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। ऑलरेडी 70,000 लोग परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, और चाहे IPL हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे टीम इंडिया की बायलेटरल सीरीज हो, चाहे दुनिया का क्रिकेट हो, सब कुछ कवर कर रहा है हम हमारे टेलीग्राम पेज पर। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट जाइए, परिवार का हिस्सा बन जाइए, आपको मजा आ जाएगा। फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसी ऐसी डिटेल, ऐसी ऐसी खबरें आ रही है हमारे टेलीग्राम पेज पर सबसे पहले, जो कोई नहीं दे रहा। चलिए दोस्तों अब 2027 की बात करते हैं। तो 2027 का जो सबसे बड़ा इवेंट है वो होगा मेंस ODI वर्ल्ड कप। 2027 में ODI वर्ल्ड कप होगा। ये वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा। अक्टूबर नवंबर 2027 में ये वर्ल्ड कप होने वाला है। तो 2023 के बाद जो बड़ा वर्ल्ड कप है, जिसे ODI फॉर्मेट का वर्ल्ड कप कहा जाता है, वो 2027 में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाला है। समय भी वही रहेगा जो हिंदुस्तान में था अक्टूबर नवंबर के टाइम पर, वहां पर भी वर्ल्ड कप शुरू होगा। अब भारत के पास ही एक और अतुलनीय मौका रहेगा वर्ल्ड कप उठाने का। हालांकि साउथ अफ्रीका में जाकर भारत ने बहुत रिसेंटली कोई बड़ी सीरीज खेली नहीं है, लेकिन 2027 तक आई एम प्रीटी श्योर BCCI कई बड़ी सीरीज, बायलेटरल सीरीज साउथ अफ्रीका की सरजमी पर जाकर खेलेगा। तो 2027 का वर्ल्ड कप भारत के लिए इंपॉर्टेंट होगा, कठिन वर्ल्ड कप रहेगा, साउथ अफ्रीकी कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, और भारत, हमने इतिहास देखा है, संघर्ष करता है साउथ अफ्रीका की कंडीशंस में। तो देखने वाला होगा ये वर्ल्ड कप, लेकिन इंडिया के लिए लाइक बनता है, क्योंकि इंडिया को लगातार मौके मिल रहे हैं। अब 2027 में बड़ा मौका है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं 2028 की। तो 2028 में होगा T20 वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 2028 का T20 वर्ल्ड कप एक दफा फिर हमें देखने को मिलेगा। हर 2 साल में एक बार T20 वर्ल्ड कप होता है, तो 2024 के बाद 2026 मैंने बताया।
अब 2028 में ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर वर्ल्ड कप होगा। अक्टूबर 2028 में वर्ल्ड कप होने वाला है। इससे पहले जब 21-22 में वर्ल्ड कप हुआ था T20 फॉर्मेट का, तो ऑस्ट्रेलिया में रखा गया था, लेकिन उस समय सिर्फ ऑस्ट्रेलिया देश में रखा गया था। लेकिन यहां पर 2028 में जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसके मैचेस न्यूजीलैंड में भी होने वाले हैं। 2015 में जो ODI वर्ल्ड कप हुआ था वो भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने संयुक्त रूप से मिलकर होस्ट किया था, और उसके बाद अब 2028 का T20 वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से साथ मिलकर होस्ट करेंगे। अक्टूबर 2028 में वर्ल्ड कप होने वाला है। यह वर्ल्ड कप काफी अहम होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये दोनों कंट्री बेशक आसपास है, पड़ोसी है, लेकिन दोनों की कंडीशंस डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया में हमें बाउंसी कंडीशंस मिलती है, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी सी स्पिन ज्यादा होती है, न्यूजीलैंड में इसके विपरीत बहुत सीमिंग कंडीशंस मिलती है। तो बहुत तगड़ा यह वर्ल्ड कप होने वाला है और कंडीशंस बहुत मायने रखेगी इस T20 वर्ल्ड कप में। बाकी आप बताओ भैया 2028 में कौन जीतेगा, अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में लिखना। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं 2029 की। तो भैया 2029 में एक दफा फिर ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी रख दी है। 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी अक्टूबर 2029 में भारत में खेली जाएगी। तो भारत में एक और बड़ा इवेंट रहेगा और भारत लगातार, जैसा कि मैंने कहा, बड़े इवेंट को होस्ट करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी भारत में होने वाली है अक्टूबर 2029 में। 50 ओवर फॉर्मेट में चैंपियंस ट्रॉफी होती है। अब ये चैंपियंस ट्रॉफी काफी अहम रहेगी हिंदुस्तान के नजरिए से, और ये हिंदुस्तान के लिए काफी बड़ा मौका रहेगा। लेकिन आप खुद ही सोचिए 2029 में भारत की टीम कैसी होगी, कौन कौन से नए सितारे होंगे जो समय विराट रोहित का रोल निभा रहे होंगे। क्या 2029 में 2030 में हमें विराट रोहित दिखेंगे, उनकी जगह कौन ले चुका होगा, सचमुच ये सोचने वाली बात है। हालांकि 2029 में अभी 4-5 साल का समय है, लेकिन हिंदुस्तानी क्रिकेट शायद एक अलग मोड़ पर 2029 में खड़ा होगा, और ये चैंपियंस ट्रॉफी भारत के लिए काफी अहम रहेगी। और थोड़ा सा मुझे ये डर लग रहा है कि अगर विराट रोहित उस समय ना रहे भारत के साथ तो कैसी परिस्थिति भारत की बनेगी, सोचने वाली बात। तो इस पर आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में लिखना। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं दोस्तों 2030 की। तो 2030 में होने वाला है फिर से T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड आयरलैंड स्कॉटलैंड में। जून 2030 में T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। अब ये जून का समय है, ये इंग्लैंड में बरसात का समय होता है। जून जुलाई अगस्त में धीरे धीरे बरसात जो है स्टार्ट हो जाती है इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में थोड़ा सा भैया टेंशन वाला मामला है। हालांकि इंग्लैंड का जो वेदर होता है वो अमूमन बरसाती वेदर की तरह होता है, साल भर में कभी भी बरसात होती है। लेकिन आयरलैंड जो और जो स्कॉटलैंड है ना, यहां पर तो प्रॉपर बारिश का मौसम 12 महीने बना रहता है। तो ये जो 2030 का वर्ल्ड कप होने वाला है ना, ये रेन से बारिश से प्रभावित वर्ल्ड कप रहने वाला है। T20 फॉर्मेट में इंग्लैंड लंबे अरसे बाद वर्ल्ड कप की मेजबानी 2030 में करेगा। बड़ा वर्ल्ड कप होगा, जून में खेला जाएगा, इस वर्ल्ड कप के लिए भी लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं 2031 तक की। 2031 तक का शेड्यूल अभी तक ICC ने निकाला है। तो अगर मैं 2031 की बात करूं तो मेंस ODI वर्ल्ड कप इंडिया और बांग्लादेश में, तो साल 2031 में खेला जाएगा। अक्टूबर नवंबर 2031 में वर्ल्ड कप होने वाला है। तो भारत एक दफा फिर ODI वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। तो 2023 के बाद एक दफा फिर ODI वर्ल्ड कप भारत में एंट्री लेगा। भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से इस वर्ल्ड कप को करेंगे। अक्टूबर नवंबर में जिस तरह से 2023 का हुआ था उस तरह से वर्ल्ड कप होगा, और ODI फॉर्मेट का ये बड़ा वर्ल्ड कप होगा। तो ये वर्ल्ड कप भी देखने लायक होगा। और 2031 में तो इंडिया की टीम पूरी पलट चुकी होगी। आप खुद ही सोचिए कैसी स्क्वाड रहेगी, क्या रहेगी, सोचने वाली बात है। अगर आपको थोड़ा बहुत अंदाजा है 2031 में भारत की स्क्वाड कैसी रहेगी तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख देना दोस्तों, क्योंकि ये हमारी टीम है और हमें सबसे ज्यादा पता होता है। तो आई एम प्रीटी श्योर BCCI से ज्यादा हम सबको, आपको और मुझे ज्यादा पता होगा कि टीम कैसी होगी। तो आप अपनी राय जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे, टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, नीचे लिंक इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाइए।